एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस में। गाइस ये देख सकते हैं आप, दानेदार जूसी यम्मी डिलीशियस रेसिपी साबूदाने की बर्फी। तो कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी है आप लोग देख सकते हैं। तो प्लीज इस रेसिपी को पूरा देखें। तो चलिए देखते हैं ये रेसिपी। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना की बर्फी। तो ये हमारा देखिए मीडियम साइज वाला साबूदाना है जिसको हमने अच्छे से पोंछ लिया है गीले कपड़े से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसको बनाते हैं। ये देखिए गाइस, इसको हम भून लेंगे। देखिए इसको हम धो नहीं सकते लेकिन हम इसको पोंछ सकते हैं। गीली टॉवल कर लीजिए और पोंछ लीजिए। पोंछना जरूरत है, जरूरी है क्योंकि इसकी जो ऊपर की इम्प्योरिटी होती है वो निकल जाएगी। और इसको अब हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इसको ड्राई रोस्ट करते हैं ऐसे ही। देखिए गाइस, ये व्रत की सबसे अच्छी रेसिपी है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कम इन्ग्रीडियंट से हम इसे बनाकर रेडी करेंगे। तो ये देख सकते हैं, इसको हम भून लेते हैं और देखते रहिएगा। इसमें बहुत अच्छे से एक इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे इसमें हम, जो कि बहुत अच्छा होगा, हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। ये देखिएगा हमारे भून चुके हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए देखिए कुछ डाल रहे हैं इसके अंदर और इसको कूट कर दिखाएंगे, ऐसे ही पता चल जाएगा। देखिए हल्का हल्का सा मार रहे हैं और ये देखिए, देख सकते हैं बिल्कुल चूरा हो जा रहा है। तो उसका मतलब कि हमारा ये भून चुका है। अभी दिखाते हैं आपको, क्योंकि हम प्रसाद बना रहे हैं तो खाके तो नहीं देख सकते। ये देखिए हल्का हल्का हमारा चूरा बन गया, इसका मतलब हमारा भून गया है। तो इसको हम बंद कर देंगे। ये देखिए गाइस, एक ग्लास दूध लिया है जिसमें से हम आधा डालेंगे। ठीक है, आधा ग्लास दूध डाला हुआ है और एक कटोरी हमने मलाई ले ली है जिसको हम अभी मलाई अब इसको हम बॉइल करेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, हमारा साबूदाना जो है वो ठंडा हो चुका है। तो इसको हम ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर में डालकर। ये देखो गाइस बॉइल होने लगा है, तो इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। देखिए गाइस, मलाई की जगह पर आप दूध भी ले सकते हैं, मगर दूध में ये होगा कि आपको इसको पकाना ज्यादा पड़ेगा और मलाई में होता है कि वो खुद ही एक गाढ़ी होती है और क्रीमी टेक्सचर ले लेती है, उसको पकाना कम पड़ता है। तो इसको सिर्फ 5 मिनट पका लेंगे। ये देखिए गाइस, बिल्कुल बारीक पीस चुका है। तो इसको हम रखेंगे। ये देखिए गाइस, 4 से 5 स्पून हमारी पीनट है, मूंगफली यानी, इसको भी रोस्ट करके ग्राइंड करेंगे। हम इसमें ये पीनट डालेंगे और कोई भी ड्राई फ्रूट या कुछ भी नहीं डालेंगे। आप डालना चाहते हैं तो नारियल या और भी ड्राई फ्रूट हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। हम बिल्कुल कुछ भी नहीं डालेंगे, एकदम अच्छे से सिंपल बनाएंगे। ये देखिए गाइस, हमारी पीनट भी पिस गई है अच्छे से, इसको भी चीनी डाल देंगे। अब ये देखिए गाइस, हमने एक कटोरी चीनी ली है अपनी, वो इसमें ऐड करेंगे और इसको पका लेंगे अच्छे से। ठीक है, दूध हमारा हो चुका है गाढ़ा। ठीक है, देखिए आप अगर दूध लेते हैं पूरा तो आप हाफ रहने तक पकाएं, और अगर मलाई लेते हैं तो बस थोड़ा सा कुक कर लें, उसके बाद में आप चीनी ऐड कर लें। ठीक है, तो ये हमने चीनी ऐड कर दिया। चीनी जब तक पिघलेगी तब तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए गाइस, चीनी भी हमारी मेल्ट हो चुकी है, देख सकते हैं ये। तो इस डो को अब इसको हम अलग हटा के रख देंगे और अपनी कढ़ाई चढ़ाएंगे। ये देखिए गाइस, एक थाली ले ली है हमें, जिसमें जमाना है आप वही बर्तन ले लें। उसमें थोड़ा सा घी हम ऐड से लगा लेंगे जिससे कि हमारा अच्छे से जम जाए। ठीक है, ये देख सकते हैं गाइस, हमने कढ़ाई धो के ले ली है और इसमें हम अपना 4 स्पून घी ऐड करेंगे। ठीक है, 3 एंड 4 इतना घी ऐड करके हम इसे अच्छे से मेल्ट करेंगे। ये देखिए गाइस, अब घी हमारा मेल्ट हो चुका है, तो जो ये मिश्रण है इसको हम इसमें डाल देंगे। देखिए साबूदाना हमारा वैसे भी भुना हुआ है, साबूदाना भी भुना हुआ है और पीनट भी भुना हुआ है। तो अब इसको हम डालकर इसी में पकाएंगे, थोड़ा सा और पका लेंगे 2-4 मिनट। ये देख सकते हैं गाइस, आप घी थोड़ा सा 1 स्पून तक कम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मलाई भी है, मलाई भी हमने ऐड करी है। ठीक है, और अगर आप पीनट नहीं डालना चाहते तो आप पीनट की जगह पर ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम
इसको अच्छे से भून लें और थोड़ा सा। देखिए गाइस ये भून चुका है, तो अब अपना हम ये जो बना के रखा था दूध वाला मिश्रण, ये हम धीरे धीरे करके थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ठीक है, डाल दिया, अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिएगा इस फ्लेम को हमने धीमा कर दिया, जिससे कि हम अच्छे से इसको मिक्स कर लें। तो हमको धीमे ही फ्लेम पर इसको मिक्स करना होगा। ठीक है, देखिए कितनी जल्दी डो का फॉर्म ले लिया है इसने, देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से अब हम पकाएंगे, जैसे कि डो बन जाए जमने वाला। ठीक है, डो होगा। देखिए दूध जो हमने मिक्स करके रखा था, उससे ले करके इसको पकाने तक का प्रोसेस आप धीमे धीमे आंच पर करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर, जिससे कि आप इसको अच्छे से संभाल सकें। ठीक है, इसको अच्छे से पकाएंगे हम और फिर इसको जमा देंगे। ये देखिए गाइस, देख सकते हैं इधर साइड में घी निकलने लगा है, तो इसका मतलब हमारा पक चुका है। फ्लेम बंद करेंगे और इसको जमा देंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस, हम जमने के लिए इसको इस पर रखेंगे अपने ग्रीस की हुई थाली में या प्लेट में, जिसमें भी आप रखें। ठीक है, इस तरह से ये देखिए गाइस, इस तरह से हम इसको इवन कर देंगे और जितना मोटा चाहिए बर्फी आपको, उतनी मोटी आप इसे जमा देंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखिए गाइस जम चुकी है। आप चाहें तो इसको डेकोरेट कर सकते हैं बादाम वगैरह से, बट हम उसको कट करने के बाद देखेंगे कि हमें क्या करना है, तो इसको अब ऐसे ही रख देंगे। आप चाहें तो काउंटर पर रख दें अपने किचन काउंटर पर 2 से 3 घंटे के लिए, नहीं तो आप चाहें तो फ्रिज में रख दें इसको सेट होने के लिए। तो चलिए हम फ्रिज में सेट होने के लिए रखते हैं, फिर मिलते हैं आके। ये देखिए गाइस हमारी जम चुकी है, तो इसको हम काट लेते हैं। देखिए काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना सॉफ्ट है ये। ठीक है, अगर आपने इसमें पीनट ना डाला होता अगर, तो ये और स्मूथ और बहुत ज्यादा स्मूथ बनती। हमने पीनट इसलिए डाला, जैसे किसी के यहाँ बादाम ना हो तो वो पीनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो अपने हिसाब से कट कर देंगे। ये देखिए गाइस कट चुकी हैं, एक निकाल कर भी हम दिखा देते हैं आपको। ये देख सकते हैं, ये देखिए कितनी टेस्टी और कितनी यम्मी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जूसी है, बिल्कुल ड्राई नहीं है, बिल्कुल भी बहुत यम्मी। ये देखिए इतनी अच्छे से टूट रही है हमारी साबूदाना की बर्फी, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए सर्व करते हैं पहले इसे। ये देखिए गाइस हमारी बनकर तैयार है साबूदाने की बर्फी। आप जैसे साबूदाने और पीनट की भी बर्फी कह सकते हैं, वो खाली साबूदाने से भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। और गाइस इसी तरह से साबूदाना पीस कर हमने लड्डू भी बनाना बताया है आपको, तो वो भी उसका भी हम दे देंगे। हमने ये पूरी नवरात्र व्रत पर, मतलब व्रत पर हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप लोग उसे चेक कर लें, हम इंड स्क्रीन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।